महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज वसई विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले विजय पाटिल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारी तादाद में उपस्थित रहे। नामांकन के समय विजय पाटिल के साथ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भारी तादाद में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी पार्टी के लोग उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर विजय पाटिल ने बविया पर जमकर निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी के वसई विधानसभा के उम्मीदवार विजय पाटिल समय हमारे समक्ष मौजूद है। अभी अभी इन्होंने अपना नामांकन भरा है। वहीं जिस तरह के घटक दल और उनके सहयोगी जो उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह का जो उनका सहयोग और समर्थन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है, वहीं पूछे कि आगामी चुनावों के मद्देनजर किस प्रकार की उनकी भूमिका है। पाटिल साहब नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए, जो चुनाव है ये किस किस मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, किस किस रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है? बहुत से मुद्दे है वसई में, जो पानी का समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, इधर ट्रैवलिंग का समस्या है, आरोग्य का समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, इधर सुविधा बहुत समस्या बोलेगा तो वसई स्टेशन में बहुत से कॉम्प्लेक्स है, उधर पानी भरने के बाद में दो दो दिन आदमी बाहर नहीं निकल सकते, इधर ड्रेनेज का कोई भी सुविधा हुआ नहीं है। हमारी जो सोपारा खाड़ी है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि पहले की इधर जो गाँव वाले उसमें मच्छी पकड़ के 4 महीना उसमें अपना पेट भरते थे, मगर वो भी उसकी रोजी रोटी चली गई। इधर के बहुत से इधर जितने के भी कॉम्प्लेक्स हुआ है उसमें आज देखो नागरीकरण इतना हुआ है मगर पानी का सुविधा नहीं है। पहला प्रॉमिस करते था बिल्डर कि 24 घंटा पानी देगा, बाद में सोसाइटी बनने के बाद में वो इधर से गुल हो जाता है। वो आदमी लोग को समझ में नहीं आता है कि किधर कंप्लेंट करूं, क्यों इधर है ना, एक जनता दरबार भी कभी कभी लेना चाहिए और बहुत सी समस्या वो दूर करना चाहिए। इस मुद्दे पे हम लोग बहुत खड़े ठहरेंगे और ये मुद्दा लेके हम लोग जनता के पास जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल थे वो भी यहाँ से चाहते थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी। नहीं, वो तो ऊपर बैठ के जो भी आड़ावा होता है और स्कूटी नहीं होता है, वो लोग का सर्वे होता है कि किधर किधर कौन से पक्ष का उधर ताकत बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सर्वे के बाद में वो अपने बड़े बड़े नेते हैं वो डिसीजन लेते हैं और उसको मालूम है कि जिधर ताकत जो पक्ष की है उधर उम्मीदवार देना चाहिए और अपना सहकारी पक्ष भी उसको साथ देगा, वो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा। इसलिए ऊपर से अच्छे तरफ से सहयोग रहता है, इधर से जो उनके प्रतिनिधि है उनसे भी राय लिए जाते हैं और राय के हिसाब से सब होता है, तो इसमें कोई मतलब डाउट लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। 2019 में हितेंद्र ठाकुर के समक्ष आपने चुनाव लड़ा, हार गए, अभी भी वही स्थिति है। इस समय भी हितेंद्र ठाकुर आपके समक्ष खड़े हैं, आपको चुनौती हितेंद्र ठाकुर से ज्यादा है या महायुति की उम्मीदवार स्नेहा दुबे से? नहीं, वो टाइम में सेना और बीजेपी के साथ में थी, महायुति थी, मगर वसई स्टेशन में जो बीजेपी के कार्यकर्ते हैं उन्होंने हमको बराबर साथ नहीं दिया। ऊपर से आदेश आया था कि युति धर्म पालो, मगर वो लोग ने उतना साथ नहीं दिया करके हो गया। अभी वापस हमारे दोस्त हुए, हो सकते हैं हम वो लोग आघाड़ी में नहीं है फिर भी विजय पाटिल को साथ देने वाले। इस बार स्टार प्रचारक कौन कौन हो सकते हैं आपके चुनाव? स्टार प्रचार तो हम लोग ने जो राहुल जी है उनको डिमांड किया है, उद्धव जी को हम लोग बोलेंगे, बड़े राष्ट्रवादी के नेता है आठवले, अपना आवाड़ साहब के जैसे इधर आएंगे स्टार प्रचारक, तो बहुत अच्छा है। आपने देखा है किस तरह से उन्होंने विकास के ऊपर जो विकास की खिलाफत की जा रही है तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वहीं विजय पाटिल का ये काफिला क्या सचमुच वोटरों में तब्दील होकर वसई विधानसभा क्षेत्र में विजय पाटिल का परिचम लहराएगा, यह तो आगामी 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम के समय ही पता चलेगा। चुनाव कोई भी हो, चुनाव सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं लड़ता बल्कि उसके स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी भूमिका भी इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी क्या भूमिका है, किस प्रकार से चुनाव में सहयोग किया जा रहा है? वसई विरार में हालात में 30 दशक से सामने वाली पार्टी का एक ही कॉन्क्रीट मैनिफेस्टो है, मतलब उनको मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हर 5 साल में बोलते हैं पानी लाएंगे, हर 5 साल में रोड बनाएंगे, पर उनका जो एक ही मैनिफेस्टो है ना, ये साल चेंज हो जाएगा, वो मैनिफेस्टो हमने दिया है, अगले साल ही मैनिफेस्टो चेंज हो जाएगा।
नहीं, विकास की खिलाफत लगातार की जा रही है, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है विकास पे कर रही है। कहीं विजय पाटिल ने खुल करके कहा जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है, और हम उसकी खिलाफत करेंगे, और असल में विकास क्या होता हम लाके दिखाएंगे। लेकिन इस सारे मुद्दे में जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया में एक एक कार्यकर्ता किस तरह से चुनावी मुहिम में जुड़ा हुआ, प्रचार किस प्रकार से किया जाए। देखो, कोविड के इसमें बहुत सारे नेता लोग घर पे बैठे थे, पर पाटिल साहब ऐसे थे कि उन्होंने खुद कोविड सेंटर चलाया, और कोविड सेंटर चलाने के बाद भी जब पिछले टाइम में वो 20,000 से हार गए थे, एक हारने के बाद और एक बाउंस बैक को जैसे आता है, वो उन्होंने काम डबल किया। हर समाज, हर घटक, हर धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सांस्कृतिक, क्रीड़ा और हर क्षेत्र में आपका लगाव दिया है। बिना सत्ते के आदमी कर सकता है, तो सत्ता आने के बाद ये दुगना हो जाएगा, ये हमारी कोशिश है। क्या कहना चाहूंगे, आप सबकी क्या भूमिका है, यहाँ के कार्यकर्ता किस तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? कार्यकर्ता तो जोश में है, अभी ये चुनाव कार्यकर्ता के आधार पे ये जीतने वाले सेठ, और विजय सेठ ऐसा व्यक्ति है, पालघर जिले नहीं पूरे महाराष्ट्र में विजय सेठ ऐसा आदमी कोई मिलेगा नहीं, और हम जोर से प्रचार करने वाले। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।